मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोले। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज है, पर मोदी भगवान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहां देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह एक रोड का इंस्पेक्शन करने गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कें बहुत शानदार हुआ करती थी। मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कें खराब हो गई हैं। मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंत ठीक करवाया जाए, उन्होंने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उस सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा। हैं जी, आप तो मालिक हैं साहब, देखिए आप तो देश के मालिक हैं। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है? ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए? उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके, 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4, 27 साल से वनवास है, 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं? अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके, केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो? ये गलत बात है, ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है, वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाहिर। एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लेना।
तो काम रोकने से, काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी, काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। तो दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे, ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया, फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, पांच सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के दो लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती, ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं, उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी, और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना।